नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। रामपुर में पुरानी रंजिश के चलते सपा नेता पर्वत सिंह यादव सहित होमगार्ड को गोलियों से भून डाला गया। डबल मर्डर की वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना पर एसपी सहित एसपी सीओ और कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया गया है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है, आगे की कार्रवाई भी जारी है। रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के गांव दीमपुर निवासी समाजवादी पार्टी के नेता पर्वत सिंह यादव रामपुर से वापस अपने घर आ रहे थे। रामपुर से आते समय होमगार्ड उमराव सिंह निवासी चकरपुर ने लिफ्ट लेकर छोड़ने को कहा, जिसे अपने साथ में पर्वत सिंह ने अपनी कार में बैठा लिया। रेलवे क्रॉसिंग के करीब वाहन में सवार कुछ अज्ञात लोगों ने कार को सामने से रोका। कार के रुकते ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पर्वत सिंह गाड़ी के अंदर छुप गए। गोलियों के बौछार से होमगार्ड उमराव सिंह की मौके पर मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने डायल 100 की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही अज्ञात लोगों ने पर्वत सिंह को उठा लिया और जंगल की तरफ ले गए। उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर मचाने पर पर्वत सिंह को गोलियों से भून दिया गया और उनकी दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पर्वत सिंह के परिजन ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पर्वत सिंह यादव सपा के कद्दावर नेता आजम खान के काफी करीबी हैं। हमारे पापा हमसे 7 बजे गए थे थाने से, तो हमारे पापा ही लड़ाई हुई थी कहीं पर, तो वहाँ पर गए थे। जाने के बाद पता नहीं, अब शाम को लौट के आ रहे थे, आधे घंटे नहीं हुआ, उन लोगों ने घेलिया, आगे ट्रैक्टर लगा दिया। पापा तो जो होमगार्ड थे उमराम सिंह अंकल जी, उनको तो वहीं टोल मार दिए, वो भाग नहीं पाए थे। हमारे पापा भाग गए थे, फूफा भी भाग गए थे, लेकिन हमारे पापा वो फूफा और लंगो भाग जाए, अब वो पापा के पीछे फिर पड़े रहे, तो पापा को वहीं घेर के उन्होंने मार दिया। हम लोग इसमें दो युवकों को गोली मारी गई है और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल भेजा गया है। इसमें जानकारी में आया है कि इनके पक्ष का दूसरे पक्ष से गांव में ही एक पुरानी रंजिश चल रही थी, इस पर शक जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस है, दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, मुकदमा लिखवाया जा रहा है। आगे